इसका नाम है करण। इस पर दफा 383, दफा 384 और दफा 386 के चार्ज लगाए गए हैं। ये किशन है, इस पर दफा 290, दफा 300 और दफा 307 के चार्ज लगाए गए हैं। और ये है अर्जुन, इस पर दफा 400, दफा 401 और दफा 351 के चार्ज लगाए गए हैं। सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? हिटलर चंपकलाल का वक्त बर्बाद मत करो, इन्हें सजाए मौत दे दो। सजा उन्हें दी जाती है जो मुजरिम है, और मुजरिम वो होता है जो जुर्म अपने कर्ज अपने स्वार्थ के लिए करता है। मुजरिम वो होता है जज साहिबा, जो अपनी मन की शैतान की भूख मिटाने के लिए जुर्म करता है, इंसानियत का खून करता है। लेकिन हमारी जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर अदालत सुन ले तो यह कहानी बेगुनाही की दलील होगी। जज साहिबा, कहानी शुरू होती है एक औरत से, एक देवी जिनका नाम सावित्री था। वो बच्चे को छीन के जंगल में भाग गए, लेकिन पुलिस से ना बच सके। उसका पति पुलिस की गोली का निशाना बन गया, वो बच्चा जंगल में ही मर जाता, लेकिन दो अनजान हाथों ने उसे सहारा दिया। और फिर वो बेबस लाचार मां ने आत्महत्या करने की ठान ली। एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो रुक गई। वो बच्चा मैं था, मैं। एक कार एक्सीडेंट में मेरे मां बाप मर गए, शायद मेरे भी नसीब में मौत लिखी थी। अगर सावित्री मां ने उस दिन मुझे वहां से बचाकर अपने सीने से लगाकर अपनी ममता का दूध ना पिलाया होता तो बस वहीं से सावित्री मां ने अपना आश्रम शुरू कर दिया। मेरा बाप हरामी था डाकू हरिया, मगर भेस बदलकर ऋषिकलाल प्रमुख बन गया। जब मेरी मां उसके पास गई तो उसने कहा, बनारसी मेरी औलाद। अरे हम खुद नहीं जानते हम किसकी औलाद है, इसे अपनी औलाद कैसे समझ ले? लेकिन मैं भी तुम्हारी वो हालत करूंगी कि दुनिया वाले तुम्हें ठोकर मार देंगे। इसे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां ये जिंदगी भर सर उठाने के काबिल न रहे। पहुंचा दूंगा, लेकिन इनाम मिलेगा? कैसा इनाम? मालिक, आपके हर राज छुपाए रखता हूँ, ये भी छुपा दूंगा, लेकिन दूंगा। ऐसा इनाम दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कट गई तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मालिक, इस लड़के का क्या करूं? पाल ले। अबे बेवकूफ, कचरे के डब्बे में फेंक दे। ओके, कुत्तों की तरह चबा डालो इसे।
दिन कचरे के डब्बे से उठाकर उसने मुझे अपना खून दिया। मेरी जिंदगी उसके खून का कर्ज बन गई। ये रहे दो मनी ऑर्डर किशन और अर्जुन के। कमाल है बहन, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे मनी ऑर्डर भेजना नहीं भूलते। हाँ। एक दिन मैं अपनी जिंदगी खोने जा रही थी, उस दिन एक अनाथ ने मुझे जिंदगी दी और आज वही अनाथ अर्जुन अपने अनाथ भाई बहनों की देखभाल कर रहा है। बिल्कुल माँ, मैं तेरा असली बेटा हूँ ना। याद आ ही गई ना अपने बेटे की। हाँ, जब से उसे खोया है बेटा शब्द जबान पर आते ही उसकी याद आ जाती है। भगवान उसे जहां भी रखे खुश रखे। भगवान मैं बहुत थक गया हूं, टूट चुका हूं। अगर आज मेरे संघर्ष का अंत नहीं हुआ, नौकरी के नाम पर निराशा ही हाथ लगी तो ये कदम किन राहों पर किस मंजिल की तरफ मुड़ जाएंगे मुझे खुद मालूम नहीं। तुम जानते हो भगवान और इंसान के दरमियान एक ही रिश्ता होता है, उस रिश्ते का नाम विश्वास है। विश्वास की डोर टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाता है। आज तक मेरी परीक्षा तुमने ली है, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे भागा भागा नहीं नहीं। अरे शर्म करो बॉस, चले थे मिलके मालिक बनने के लिए, तीन दिन गुंडों से जान बचा के यहाँ मुंह छुपा रहे। मुझे भूख लग रही है, चक्कर आ रहे। क्या मार खा के आत्मा का पेट डर गया? तेरे को साले 24 घंटे खाने की लगी रहती है। मगर तू फिक्र मत कर, ऊपर वाले ने मेरे पैर में लिखा है। ये तो हाथ है, हाथ इंसानों के होते हैं जानवरों के नहीं होते हैं बे। मेरे पैर की लकीर में लिखा है कि मुझे कहीं से भी मार। टैक्सी। तुम लड़की हो? हाँ लड़की हूँ, करके थोड़ी ना हूँ। साला तुम मरद लोग झटका कहे को खा जाता है। वो क्या है, बंबई शहर में पहली बार एक लड़की को टैक्सी ड्राइवर के रूप में देख रहा हूँ मैं। इसलिए अगर एक लड़की इलेक्शन जीत के इस देश की नेता बन सकती है तो आप उन टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता है? बन सकता है। किधर हाँ। जाना है? हाँ विले पार्ले, जरा जल्दी। क्या इसका पागल तो आपने मार लिया, अब इसका टैक्सी में क्या हाल होगा? टैंके वो क्या तेरे बाप को भाई लगता है क्या? चल वैसे आप टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए? अब उनके पैदा होते ही अब उनकी माँ का ऊपर से वारंट आ गया, बाप टैक्सी ड्राइवर था। बेचारा आप उनको गोद में बिठा कर टैक्सी चलाता था, भूख लगी तो इधर ही दूध पिलाता था। आहिस्ता आहिस्ता आपको इधर ही बड़ा हो गया। अरे टपोरी के बाजू हटना। हाँ किधर था वो था? हाँ हाँ करते करते बड़ी हो गई। हाँ मजाक मजाक में अपुन ने टैक्सी चलाना सीख लिया। इधर अपुन को जवानी आया, उधर अपना बाप का मौत हो गया। अपुन बिल्कुल एकदम अकेला हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं, ना भाई ना बहन, बस एक अपुन एक अपना टैक्सी और सामने सारा मतलबी संसार।
भगवान भला करे उस जज का जिसने ऑर्डर पास कर दिया कि तारा को लाइसेंस मिलना ही मांगता है। बस फिर क्या था, अपन टैक्सी ड्राइवर बन गया। अरे रोको टैक्सी, रोको यहाँ, रोको। कितने पैसे हुए? 17 रुपया 12 आना। अरे साहब अभी अपन को यह मत बोलना कि किसी ने तुम्हारा पॉकेट मार लिया। जेब तो मेरी बाकी कट गई है। अब तुम चाहो तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ या थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, नौकरी मिलते ही मैं एडवांस लेकर आता हूँ, तुम्हारे पैसे चुका देता हूँ। अच्छा ठीक है, पैसे लेकर आना। मिस्टर करण जी, तुम झूठ बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। बेईमानी कर सकते हो? कभी नहीं। धोखेबाजी कर सकते हो? जान जाने के बाद भी नहीं। पैसे की हेराफेरी कर सकते हो? ये काम मैं अपनी मां का खून करने के बराबर समझता हूं। तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। यू कैन गो। आपका मतलब है कि ये सारी जिंदगी की मेहनत, ये बरसों की तालीम, ये डिग्रियां सब बेकार है? हेलो यार, कोई काम का आदमी भेजो, ये तो जरूरत से ज्यादा शरीफ है। आपुन उसको शरीफ आदमी समझा, साले ने आपुन के विश्वास का पंक्चर कर डाला। माफी आप, अरे निकल रहे साला हरामी। 17 रुपए का 25 रुपए वसूल नहीं किया तो आपुन का नाम भी तारा नहीं है। आज फिरा दिया साले ने अपना खोपड़ी। आज तो आपुन लफड़ा करके ही रहेगा, उसका 1-2 का 4 नहीं कर दिया तो आपुन का नाम भी तारा नहीं है। हमेशा की तरह नाकाम होकर लौटा हूं, लगता है तकदीर मेरा साथ नहीं दे रही है। जहां जाता हूं मायूसी पाता हूं, इनकार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा लगता है इस बेईमान दुनिया ने ईमानदारी का गला हमेशा के लिए घोंट दिया है। अब तुम्हें बताओ मैं क्या बोल रहा था? ये क्या हो गया बाबा? बाबा मुझे सड़क से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें बदतर कुछ नहीं दे सका, और आज मैं इतना बदनसीब हूं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है कि बेईमानी की धूप में आज की दुनिया में सब ईमान जो है वो भाव बन के उड़ गया है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपने दर्द समझते हैं। मुझे अपने हमदर्द समझो और ये पैसे लो, वक्त बर्बाद मत करो, अपने बाप का क्रियाक्रम कर लो। तुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? मैं एक छोटा मोटा गरीब सा व्यापारी हूँ, तेल बनाता हूँ और बेचता हूँ। ये बड़े बड़े जो मिल वाले हैं ना, उनको पसंद नहीं है, वो मेरा धंधा बंद कराना चाहते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगाती हैं। तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो गरीबी की इज्जत भी रह जाएगी और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। मेरे लिए काम करोगे, नौकरी करोगे मेरे पास? बाबा, जिन शोलों ने मेरी सच्चाई, मेरी विद्या को जला के राख किया है, वही शोले अब मैं इस दुनिया के दामन में भर दूंगा। किसी को तेल देने का नहीं, तेल देना नहीं तो बहुत मान मतलब वहां समझ ले। हेलो चंपकलाल मेज, नो 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 सॉक प्लीज, नहीं है तेल, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जा तेल ले जाओ। चंपा मेरी डालिंग, क्या चाहिए तेरे? क्या क्या चुमा चाटी करता है? बड़े जी, अबे नहीं 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 है तेल, नहीं है, अबे पटपटी तेल है, मिल जाएगी मेरी यार को। हो गया? हाँ, क्या चाहिए तेरे को? तेल। पैसा रहा किधर? तेल इधर से नहीं निकलता है, निकल बाहर। इसके मुंह में तो गोंद निकलता है। क्या करे चंपकलाल जी, शक्ल तो दिखाओ,
तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे मरे हुए भाई की याद आने लगती है। और मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे मेरे मरे हुए बाप का कुत्ता याद आता है। कुत्ता? वो भी इतना ही शरीफ था। तुम जाओ पैसे रखो और निकलो बाहर। तेल तो मिलेगा? हाँ तुम जाओ, तेल नहीं मिलेगा। क्या मतलब मिलेगा? मिलेगा ना। कितना बदबू लगा, बास आ रही है, मैं फ्लेट मारूंगा मेरे मुंह। अरे कुछ भी हो बॉस, बहुत माल छाप लिया। और तेरे को मैंने यहाँ कहा रखा है? मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, तेरा बाप चेक करेगा? अरे बेटा ये जितना माल कमा रहा हूँ सब तेरे कारण है, जो मैं कमा रहा हूँ उसमें तेरा भी हिस्सा। ये ले बेटा तेरा, चले तेरी वजह से मेरे दामन में आता है, मेरे दामन से तेरे दामन में जाता है। जा। अबे तू क्या फुजूल फुजूल कर रहा है, अंदर कुछ है कि नहीं? वो तो ठीक है, आपने मुझे नया नाम क्या दे दिया, एसीसी? अरे एसीसी दो नाम मिला के एक नाम बनाया, मतलब असिस्टेंट कम कंपाउंडर। तू मेरा असिस्टेंट भी है, कंपाउंडर भी है, और मैं तेरा बीसी भी, मतलब तेरा बॉस भी हूँ, तेरा पेशेंट भी हूँ। समझ गया? समझ गया, समझ गया। मार खाया, समझता नहीं है ये देश का क्या होगा, मेरी समझ भी नहीं आता, मैं चला नहीं सकता देश को। साहब किधर जाने का है? तुम ए, चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। अरे मेरी बात सुनो। अरे सुन, निकल। अरे अरे क्या क्या समझता है? तो अपना अपू तेरे को शरीफ आदमी समझकर छोड़ दिया था, तू तो अपने बाप निकला, सारा अपू का छेड़ी लगा के चला गया। क्या क्या समझता है? समझता था अपू से बच के भाग जाएगा। अपू का नाम तारा है, मेरे जैसे तेरे आदमी को दिन में तारे नहीं दिखा देना तो अपू का नाम तारा नहीं। चल निकल, जय बेबी कर। एक्टिंग करता है क्या हुआ? ए नाटक मत करा। अरे 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 शर्म नहीं आती क्या, इतना बड़ा आदमी होकर रोता है? चूड़ी पर चूड़ी, छोकरी साला रोता क्या जा रहा है? ए भू क्या, तुमने ये कपड़े देकर धोखा खा गई। मेरा एक दोस्त लॉन्ड्री में काम करता है, उससे मांगकर पहने हैं मैंने, इंटरव्यू दे देकर मेरे सब कपड़े खत्म हो गए। अब तो नल का पानी पीकर दिन गुजारता हूँ। नल का पानी, वो भी मुंबई का? हाँ हाँ वो भी मुंबई का। तीन दिन से खाना नहीं खाया, और तुम्हारा एक और हल्का हाथ लग गया तो इस 6 फुट के आदमी को शमशान ले जाना पड़ेगा। अरे मेले माला हाथ तो बुलाओ, खाना खाएगा? हाँ हाँ। चलो चलो। अरे आराम से खा, आराम से खा। कल भी अगर भूख लगे ना तो देरी चाके खाना खा लेना, अपन देर को दो निवाला खिला सकता है। मगर अपन का मेहनत पसीने का कमाई, अपन का भाड़ा 2500 रुपया 12 आना अपन देर से वसूल करके छोड़ेगा, ये बात समझ ले। हाँ हाँ जरूर, मगर तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा भगवान तेरा भला करे। एक बात बोलूं तारा, बोल। तू इस दुनिया में सबसे अच्छी है। ए शाने, चांद बत्ती करने की कोई जरूरत नहीं, समझा क्या? चुपचाप खाना का फूट ले यहाँ से, चल खा। अच्छी बोला तो अच्छा नहीं लगा। शाना बनता है, येड़ा बन के पेड़ा खाएगा क्या? किसकी है? मेरे घर में कैसे आई? इन सब लाशों का क्रिया कर्म तुम्हें करना होगा। मुझे? मुझे क्यों? क्या किया है मैंने? इतने सारे मासूम बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया छीन लिया है तुमने, इतनी सारी औरतों को विधवा कर दिया तुमने। कितनी बदनसीब होगी वो माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं एक गुनहगार हूं और ऐसे लाखों पत्थर मेरे गुनाहों के बदले में कम हैं, लेकिन अगर मुझे मारने से तुम्हारे मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाते हैं तो मैं मरने के लिए खुशी से तैयार हूं, वरना एक मौका मुझे और दीजिए, सिर्फ एक मौका।
ताकि मैं उस पापी की दुनिया में आग लगाऊं जिसने मेरे हाथों ये पाप करवाए। मैं मरने वालों को जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन उनकी बीवी बच्चों की, उनके मां बाप की जिम्मेदारी उठा सकता हूं। इन यतीम बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी है। इन विधवा बहनों की परवरिश मेरा कर्ज है। इन बूढ़े मां बाप को मैं इनके बेटे की तरह पालूंगा। आज से मेरी जिंदगी का यही मकसद होगा। अरे ये क्या बदमाशी कर, दरवाजा खोल के आया जाता, कोई तोड़ के थोड़ी आया जाता। अभी तक तो मैंने सिर्फ दरवाजा तोड़ा है, अब देखते जाओ मैं क्या करता। अरे इतनी मिल गई, एक गोली मार सकते हो? अरे रुक जा, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। मैं धंधा नीचे जा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कितना हो गया? 420। ये मेरा नाम ही, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है मेरे को नहीं मालूम। रुक जा करण, पैसा चाहिए मेरे बोल, मैं देता हूँ, मत कर, छोड़ दे, कर दे। सुअर, कुत्ता, हामी, बस बस पीसीपी, गुस्से का स्विच ऑफ कीजिए, चार पांच बार ये कांटा घूम चुका है। अरे कांटा मेरे कलेजे में चुभ रहा है। वो हरामी करण मुझे टोपी बना के चला गया, अभी टोपी फट गई, दोस्ती का हाथ बढ़ा और कांधे से हाथ उखाड़ कर लेके चला गया। शेख चंपक लाल को भिखारी लाल चंपक लाल बना के चला गया, मां का दीना। मर गया रे, मर गया, मर गया रे। मेरा क्या होगा? तेरे बाप को पूछ, ये तेरा बाप है ना? नहीं मालूम। मर गया रे, मर गया। अरे कौन कुत्ते की तरह भोग रहा है? उधर। अरे शंभू सेठ कैसे आना हुआ ये टाइम पर? कैसे आना हुआ भी बताते हैं। सब इसका समाज कोई चीज मत छोड़ो। अरे ये कुर्सी ले जाओ। अरे तुम लोग व्यापारी हो कोई भिखारी हो? मेरे सामान खाने के लिए, बेचने के लिए। ये सामान बेचकर हम अपना रुपया वसूल करेंगे जो हमने तुमको तेल की फैक्ट्री चलाने के लिए एडवांस में दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरे ठहरे, ऐसा जुल्म मत करो, मैं बिल्कुल लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी कई हालत हो गई, मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है। वो हम देंगे, चलो सामान ले जाओ, सामान ले जाओ बात। अरे सुनो यार, मेरा सामान, अरे खाने के जा रहे लोग यार। इसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे को जहर खाने को पैसा दे रहे हो क्या? बिल्कुल, जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते। उठाओ टीवी। अरे ये टीवी का लगे जाओ। अरे मेरा टीवी मत लगे जाओ। अरे मेरी शाम कैसे गुजरेगी यार? अबे क्यों चिल्ला रहे पागलों की तरह? फुटपाथ में दरिया के किनारे रातों की टोली में बैठा। क्या चंगेज खान के बता दे यार? अरे ये मेरी मोटरसाइकिल का सामान सब ले जा रहा है, तो चाबी रख के क्या टीवी तो रहने दो, मैं खाना कहीं भी खाऊंगा। पैसे होंगे तो खाना खाओगे, पैसे नहीं होंगे तो टिफिन में खाना खाता है। अरे कम से कम गिलास तो रहने दो, पानी का मैं पीऊंगा। अरे सड़क पर म्युनिसिपैलिटी के नल से मुंह लगाकर पानी पी लेना, गिलास का क्या काम? इसका चश्मा ले लो। अरे चश्मा भी ले जा रहे? अरे तेरे को चश्मे का क्या काम है? कौन सी चेक साइन करे? अरे मेरा तो दिल करता है कि चश्मे के साथ साथ तेरी आंखें भी निकाल के ले जाओ। सत्यानाश हो, खड़े खड़े शेर चंपक को फकीरी की चेचक लगा के चले गए। एसीसी मेरा क्या होगा? क्या बेवकूफों जैसी बात है? मेरा मतलब था, फिक्र मत करिए ना, आज अमेरिका से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है, रॉबिन। अरे हाँ मेरा बेटा भी आ रहा है, मैं भूल गया था यार। किसी भी एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका करने के गया था? तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्या तो मालूम, इधर वो छोटी मोटी चोरी फांदेबाजी करता था, तो उसको कमीशन में पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दिया, तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया। वहां जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से। वो गया था रमेश के नाम से, आड़ा रॉबिन के नाम से। रॉबिन, रॉबिन, वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, वही ना? अबे टनी के, वो रॉबिन हुड है, इसमें हुड नहीं है, खाली रॉबिन है। ये अमीरों को भी लूटता है, गरीबों को भी लूटता है, फकीरों को भी लूटता है। मेरा बेटा है। अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है? सारे घड़ी भी उतार के ले गए यार। कोई फिक्र मत करो, घड़ी नहीं घड़िया खरीद लेना, रॉबिन आने वाला है। चलो जहाज का वक्त हो गया। तेरे को बात कहाँ से मालूम पड़ा? तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मेरा बेटा पत्नी कहीं पिछले स्टेशन पर नहीं उतर गया?
आपका बेटा प्लेन से आने वाला था ना? और नहीं तो क्या अमेरिका से म्यूनसिपलिटी के बस में लटक के आ रहा है क्या उल्लू का पट्टा? नहीं नहीं, आप बोल रहे कि पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? किसी भी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का मुंह हिंदुस्तान में काला हो रहा है और वो अमेरिका से अपना मुंह काला करवा के आ रहा होगा? शमशान में जले हुए काले कुत्ते, शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी किया कर, तेरी चुपचाप खड़े हो जाते। अबे उधर नहीं, इधर। नमस्ते। अरे आलिया। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद। अबे एयरपोर्ट पे क्या चुरा रहे हैं? आलिया, अरे आलिया, अरे तू दूर जाकर दूर दूर। क्या बात करता है तू, मेरे को नहीं पहचानता? मैं चंपा को अभी आने लगे, ये तो हालात के धुएं ने तेरा मुंह काला कर दिया, वरना अंदर से अभी तक चमकता रहूं। मतलब मुंह पोछ के दिखाता हूँ, देखे। शांति शांति, पागल है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंपक हो या चेचक है। जैसे तू हरिया हो या आफत की बुढ़िया हो। देखो, हर जरूरतमंद की मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, है ना? हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अरे मगर तेरा दरवाजा है किधर? अरे हरिया, मेरे बात आप क्या है? पहले क्या है? है? तो मेरे को साथ में लेके चलना, तो मैं तेरा खोल खोलूंगा। ये मेरा कार्ड है, इस पते पे कभी भी चले आना। ये एड्रेस बुला रहा है, बटन तो नहीं मार रहा है। घोड़े से गाड़ी में कैसे आ गया? ए चलो हटे, पीछे आपका बेटा कब आएगा? आ गया, मेरा चांद आ गया। चांद आ गया? अबे ऊपर नहीं, उधर देख। वो मेरा बेटा, मेरा चांद। एक गाड़ी पीछे नहीं छोड़ता है। क्या मतलब कि मेरे को भिखारी समझ के रुपया टिका के चला गया और तू घर का तमाशा देखा? मैं क्या करूँ, उसने अपने बाप को नहीं पहचाना, मेरी क्या इज्जत करेगा वो? ए बेटा, ए अर्जुन, क्या कर रहा है बेटा तू? तू मेरा पैसा टिकाए चला, मैं तो भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? यू मीन फादर? इतना भयानक सूरत, सो गड्ढा मार ली। अरे काय की अगली और काय की पिछली सब बराबर हो गई, वो तू छोड़। तू आया ना अमेरिका से, तो मैं तेरे स्वागत के लिए दिए लाया हूँ। देख, क्या है? अरे और क्या है? हार्ड। किसी की आर्थिक पर से उठाकर लेकर आया? फकीर की शादी थी, वहाँ से चुरा के लाया। What? मेरे पास हार तो क्या, उसे धागा खरीदने पैसे नहीं। तो ये सब पहले बोलना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर। मैं ऐसे भिखारी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता। ये सब कैसे हुआ बाप, कैसे हुआ? अब तू यही खड़े खड़े से पूछेगा क्या? चला आपको झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं। झोपड़े में? अपना एक झोपड़ा, उसकी दीवार नहीं, छतरी खिड़की तो लगाते नहीं है। बहुत अच्छा झोपड़ा है। टैक्सी टैक्सी कार का है? कार या हार के पैसे नहीं तो कार की तरह जाएगा तू। चल बोल, कितने को जाने का है? वाओ लेडी कैब ड्राइवर, अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं। वेरी नाइस। सिर्फ टैक्सी ही नहीं, जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ, फिर हाथ चलाती हूँ, फिर लात चलाती हूँ, समझ गया? किधर जाएगा? एनीवेयर, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। स्वीटहार्ट साला। आला रे आला, पी के ले ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। चल बाहर निकल, सारा निकल बाहर। काय चला भाई? टैक्सी में बैठ के मेरे साथ हाथ चला की करता है? मैंने गुस्से से देखा तो मेरे को बोलता है, गुस्से में तेरे गाल स्पेन की सेब की तरह चमकने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बोला। तू चिंता मत कर तारा बहन, मैं मार मार के इसके गाल कुल्लू के सेब की तरह लाल कर दूंगा। तू चल अंदर चल। हे 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 सो मगर। ए अगर मगर करेगा तो तेरा मुंह काला करके पूरे नगर में फेरा दूंगा। तू चल चल चल। ये है ना, ये मेरा बेटा है। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है, अगर बाप का मुंह काला है तो बेटे का दिल काला है। चल आज चल चल आज चल चल लौका मत, तुझे चल लौका मत। एक मिनट, ये बेचारा अमेरिका से अभी अभी नवा नवा आया, इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम। yeah, yeah, ये अमेरिका के अंदर वहाँ बंदरों के साथ रहता था क्या? या उधर के चिड़िया घर में रहता था तो इसको शराफत के तौर तरीके नहीं मालूम? चल या मदिया, या इंस्पेक्टर। ये नहीं, क्या या? अबे ओ या की औलाद, अबे पछड़ की तरह तो अकल के पत्ते भी झड़ गए क्या? डैड, एक तो अपने खुद की हालत खराब है, क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू? क्या बोलता है? लेकिन स्टाइल देखो, अभी अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं। मैंने कहा पुलिस लॉकर में चला है। क्या किया मैंने? साहब इसको माफ कर दो, अभी माफी मांगना। मेरे को माफ कर दो साहब। ये क्या बोलता है? क्या माल मेरे वालों ने क्या बोला? मेरे को माफ कर दो साहब। अबे हिंदी बोलना। हिंदी में बोलता डैड, माफ कर दो साहब। ये कैसी हिंदी है? ठीक है, दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले ले है ना, अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि लड़कियों को छेड़ना तो दूर, आंख उठाकर भी देखेगा ना तो आंख की दोनों गोटियों में दर्द होने लगेगा। समझा क्या? क्यों जा, क्यों जा?
चल। क्या करता है डैड? ये लड़की है बैड। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है। ये देखा है, ये भी बैड नहीं है। चल चल। किसने भेजा कर दिया इसको? मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ दया कीजिए प्रभु। मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फर्नांडेज, इन दोनों को हमारा लेटर दे दो, और उनके बेटे का, उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, 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 सुनो जी, मुझे बगल में बैठी, रात को बेडरूम में उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। नारी सेवा मेरा ख्याल है ना? भिखारी तो भाग गया। ये बोलो क्या, मेरा कोई ध्यान देते नहीं यार तुम। मेरा दरबार सबके लिए खुला है, भिखारियों के लिए भी। हरिया कौन भिखारी? आओ मैं तुमसे उधर बात करूं। तुझे बोलता गला, ऐसा नहीं बोला रे बाप। चुप रहे, अब मैं हरिया नहीं हूँ। तो क्या है? मैं सोशल वर्कर रसिक लाल प्रमुख हूँ। ये देख साथियों, अब आज आप प्रस्थान कीजिए। ये भाड़े की तो नहीं है ना? क्या बात करते चंपू? नहीं ऐसी पूछ रहा हूं। चंपू आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ। कानून की गोद में बैठकर मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ। मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। क्या? झक मार रहा हूँ। मेरी आजकल ये हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूँ तो वो मुझे भीग लेके चला जाता है। अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था, तकदीर ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट, तालाब भी गायब हो गया। भाई मैं समझा नहीं चंपू। जाने देना, नहीं समझा तो मैं तो कहां समझाऊं तेरे को यार। छोड़ जाने दे। ए मेरा भी इधर, ये मेरा बेटा, मैं बेटा है रॉबिन। अच्छा ये मैं, तेरा नाम क्या है? रसिक लाल। रसिक लाल, ये अमेरिका से जुर्म की डिग्री पास करके आया। वाह, आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है। अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं तो आपका फायदा डबल डबल होगा। अच्छा, वो कैसे? अंकल, आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा, जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है। अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाएं तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। बहुत बिछा, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ हर साल 150,000 नौजवान डिग्रियां हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 10,000 को नौकरियां मिलती हैं, बाकी के 140,000 नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल, उन्हें अपने नशे की आदत डलवाकर अपना गुलाम बना सकते हैं। मगर अंकल, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो पावर्स, दो ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है, एक पुलिस और दूसरा कानून। अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे। वी शैल बी किंग। राजा? राजा? चंपू तुम किंग, मैं राजा। मैं किंग? 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 प्रमुख जी, हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी तिर पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है। क्या? अब क्या करना चाहिए? किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो। ये ले 10,000 और तिर पार्टी को बॉम्ब से उड़ा दो। ये ले। ये लो 10,000 त्रिपाठी को अर्जुन और उसके साथियों से बचाने के लिए। हो जाएगा।
ठीक है ले ले आला। बहुत दिनों से जेवर लेकर तुम दो शैतानों को मैं ढूंढ रहा था। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। माजी पाटली पटलून तूने उसे माँ क्यों कहा? तेरा क्या रिश्ता है उससे? मेरा रिश्ता उससे वो है जो एक माँ बाप से भी ऊंचा है, समझा? मैं एक यतीम लावारिस जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं, जिसे उस देवी ने अपने आंचल का सहारा दिया है, जिसने अपना दूध पिलाकर मुझे दोबारा जिंदगी दी। इन रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो उस देवी का दूध है, समझा? लेकिन तुम्हें तो कभी मैंने उनके साथ नहीं देखा। और अपुन ने भी तेरे को उसके साथ कभी नहीं देखा। तेरा रिश्ता क्या है उससे? वो तेरी माँ कैसे? कौन है बे तू? कचरा, कचरा हूं मैं। जैसे लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह बचपन में किसी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। शायद वही मैं मर गया होता। उस ममता की देवी की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे अपने सिरे से लगा लिया, अपना खून दिया। इसलिए वो देवी मेरे लिए मां है। बल्कि अगर मां से भी ऊंचा कोई रिश्ता है तो वो देवी मेरे लिए वही है, वही है। कमाल है, हम दोनों की एक ही मां है, फिर भी हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उसकी एक वजह है, जब मैं 7 या 8 साल का था मुझे पता चला कि मैं ऐसा एक लावारिस हूं जिसकी मां तो थी लेकिन बाप कोई नहीं था, समझ गए ना? दुनिया जिसे नाजायज और लावारिस कहती है, हरामी, मैं दुनिया की नजर में वही था। खैर, मैं अपनी मां की तलाश में निकला मगर वो कहीं नहीं मिली। बस मैं था, मेरी तराई थी, मेरी ठोकरे थी। एक दिन यूं ही पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं स्कूल में गया तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा, स्कूल में शरीफों के बच्चे पढ़ते हैं, लावारिस और हरामी बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। बस उस दिन से मुझे पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज उन तमाम नामों से नफरत हो गई। फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था मैं, इंजीनियर बनूंगा ये मेरा सपना था, और एक लड़की से प्यार था। डैडी, ये अर्जुन है, याद है इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था? अच्छा है। वैसे तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सर, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ओ, अनाथ हो? जी हाँ सर, मैं अनाथ हूं। मगर सर, भगवान के दिए ये दो हाथ है मेरे पास, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा सर। ससुर जी। भाई, वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए हंगामा जी को चुना था, मशहूर एक्टर हैं, आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें और अपनी बेटी की चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लिहाजा तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू ससुर जी। गॉड ब्लेस यू। इटे
अपनी प्रेम कहानी थी फिल्म में हिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए हीरो हीरोइन मिल जाए और फिट जाए तो पिक्चर मिस्टर साहब फर्स्ट क्लास चॉइस है आपकी बेटी की। अर्जुन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी सबसे आगे है। जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती उसकी क्लास सिर्फ गरीबी होती है। अरे गरीब लावारिस लड़का मेरी बेटी की पसंद हो ये मुझे कतई पसंद नहीं। प्रिंसिपल साहब आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कल से अगर ये लड़का इस कॉलेज में नजर आया तो आपका क्या होगा। मेरा क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है। मैं गरीब हूँ इतने पैसे कहाँ से ला पाऊंगा। इस कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन हाँ हाँ आओ 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 सर सर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब मैं आपके सिर्फ 3 मिनट बर्बाद करना चाहता हूं सर। देख लो हर कॉलेज के कुछ नियम होते हैं और वो है डोनेशन। सर 3 मिनट में से 1 मिनट आप खा गए हैं सर अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अर्जुन मैं मजबूर था यकीन मानो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेजेस में कोशिश भी की थी। हाँ। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है। किस बात का सर आपके कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट में मैंने यह सीखा है कि 3 केमिकल्स मिलाकर 3 घंटे में 3 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। सर पहला बॉम्ब है ना आपके कॉलेज के मेन हॉल में रखा है उस पुतले के नीचे जो आपके बाप का है और दूसरा बॉम्ब मैंने उस क्लासरूम में रखा है सर जहां मैंने पढ़ाई की थी और तीसरा बम ये रहा सर। अगर आपने 3 मिनट बर्बाद ना किए होते तो शायद ये कॉलेज बच जाता और आप भी। गुड बाय सर। शंभो रघुनाथ प्रिंसिपल साहब तो बच गए लेकिन मुझे जेल हो गई। मैंने हमारी शादी के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे वो तुम हो सके तो आश्रम में जाकर मां को दे देना और मुझे भूल जाओ। अर्जुन मैं और तुम्हें भूल जाऊं मैंने सिर्फ अर्जुन से प्यार किया था उस गरीब अर्जुन से। जब तक मैं जिंदा हूं उससे प्यार करती रहूंगी और अगर तुम मुझे भूल गए ना तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो सपना टूट गया। इत्तेफाक देखो दोस्त एक ही माँ के आंचल में दोनों पले एक ही माँ का दूध पिया अब रिश्ते में हम दोनों भाई हो गए। तुम लोगों की वजह से वो दोनों गुंडे मेरे हाथ से निकल गए। ढूंढो उनको तलाश करो यही होंगे। तीन ऊपर जाओ तीन उधर जाओ तीन इधर जाओ तीन उधर जाओ। कोठे गए ले घास ले छा आता मी पण त्यांची नाडी सोडतो। एक्सक्यूज मी कौन मैं पोस्ट में साइलर पकड़ इसको ये गुंडा मुजरिम
बुरी खबर है। तेरी माशूका सागरिका का बाप उसकी शादी का ऐलान करने वाला है, वो भी उस जगह जहाँ एक्टर हंगामा को फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है। ऐसा क्या? बिल्कुल, लगता है साले एक्टर को अवार्ड का रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। आज के फिल्म अवार्ड फंक्शन के लिए, मतलब पुरस्कार वितरण समारोह के लिए, एक मुख्य अतिथि की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारे हरदिल अजीज श्री पुलिस कमिश्नर डीएन मेहता साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो पधारें। पधारकर पदारंभ ग्रहण करें तो हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिल्म का नाम है अपनी प्रेम कहानी और बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि उच्च कोटि के कलाकार का पुरस्कार श्री हंगामा जी को दिया जाता है। इंस्पेक्टर, ये पुलिस थाना है तंदूर खाना, पंखा तो लगाओ जल्दी। शट अप, ये लॉकअप है, तेरे बाप का फाइव स्टार होटल है, चुपचाप बैठा रहे वरना कान पकड़ कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा मैं। ए किशन, अर्जुन तू पकड़ा गया? अरे आहिस्ता भाई आहिस्ता, भड़क मत, गर्मी मत खा। आज मैं जमानत का पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। वो कैसे? वो ऐसे, आज मैं सागरिका को उसके बाप के सामने किस करके आया हूँ। क्या क्या बात कर रहा है?
कसम से। तो कमिश्नर को तो करंट लग गया होगा। अरे करंट क्या लगा, ऐसा लगा कि अखे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिसिटी उसके नीचे से जाकर ऊपर से निकल आया साला। ए, मेरी मेरी सोचा आई चा, मुझे आंख मारता है, मुझे आंख मारता है। तेरे को आंख कौन मारा रे, ये आंख क्या पत्थर है जो खींच के मारेगा। ये जो तेरा बल्ब ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो रहा ना, एक ही झटके में साले को फ्यूज कर दूंगा। चल चल अंदर चल चल, लात मार चल, चप्पल मार, है डर साला, किसके लिए लगता है साला। चुप, नालायक, बदतमीज जानवर, मजाक करता है वो भी पीके ले ले के साथ। क्या 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 करके ले ले, पीके ले ले, पीके। वाह 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 इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या नाम है आपका, पीके ले ले। इससे पहले बहुत से ले ले सुने थे, जैसे कि थम्स अप ले ले, रोटी ले ले, अपनी गोटी ले ले, लड़की ले ले, लेकिन ऐसा निराला ले ले तो पहले टाइम सुन रहा हूँ। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब, क्या पावरफुल नाम है, मुबारक हो। क्लास शुरू हो जाए। शुरू हो जाए। पीके ले ले, पीके ले ले, पीके ले ले, पीके ले ले, पीके पीके ले ले ले, पीके पीके ले ले ले, पीके ले ले ले, पीके पीके ले ले, पीके ले ले। खामोश, तुम इतना बड़ा सिटी का इतना बड़ा कमिश्नर है, हमारा ब्लैक का बिजनेस का ब्लैक का धंधा का जनरल मैनेजर है, इस काम में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग शुड बी इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन है। क्या बोलता है कॉमी बेबी? हाँ, मैं उस किशन को तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अर्जुन के बच्चे को हरगिज नहीं। उस कमीने ने मेरी बेटी को अपने जाल में फांस के मैंने चीन आराम कर रखा है। उस कमीने किशन ने त्रिपाठी को बचा लिया, मुझे नफरत है उससे, इससे अच्छा हम दोनों को जेल में सड़ लेता। पर्सनल दोस्ती, आई मीन जाती दोस्ती, जाती दुश्मनी और जाती रिश्तेदारी का हमारा काम में कोई मतलब है। जो आदमी हमारे काम का है उसको काम में यूज करना चाहिए, और जो नहीं है उसका जिंदगी को फ्यूज करना चाहिए। वो दोनों हमारा इंपॉर्टेंट आदमी है, काम का आदमी है, वो दोनों जेल से छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, यू इडियट। मगर बेटा, कोई बेटा बेटा नहीं, जन्म की दुनिया में कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, समझा तुम मेरे बेवकूफ बाप। मैं इंस्पेक्टर पी के ले ले, तुम दोनों पहले भी इस पुलिस स्टेशन में आ चुके हो, अब क्या है? मुझे ये दो बच्चे चाहिए। ये लॉकअप है, अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम बच्चे लेने चले आए। हम इनकी जमानत देने आए हैं, यू नो बेल, यू नो बेल नहीं हो सकती, इनकी जमानत नहीं हो सकती। देखो लेके पीले साहब, नहीं पीले केले साहब, क्या नाम है, पी के ले ले डैड। पी के ले ले अगर लेने पे उतर आए तो लोग लेना देना भूल जाते हैं बरखुरदार। नाउ गेट अप, गेट अप, चल करने का। इंस्पेक्टर पी के ले ले। यस सर। ले ले, इनसे जमानत कबूल करो और सबको छोड़ दो। एनएस हो सर, आपसे जानते नहीं ये कितने खतरनाक मुजरिम है, इन्होंने मंत्री जी पर बॉम्ब फेंका, अटेम्प्टेड मर्डर का केस है सर, बगैर कोर्ट गए मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ दो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं। ये देखो, खाना भी है, दारू भी है, नोट भी है यार, क्या बताऊँ, सब असली है ना। अरे सब असली है, इनका ब्लड प्रेशर भी असली है। मुर्गी के इतनी मेहरबानी हम पे क्यों? अरे सब बताता हूँ, पहले तुम शुरू तो करो। Didn't I tell you, Dad? हम तुमको बोला था ना। मगर एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप कौन है? कौन है? माँ बाप कोई भी? तो पाला किसने? ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना बाप, मेरा कोई। ये औरत है जो मेरी जिंदगी। और तुम्हारा कौन है? अब तो अभी कोई नहीं, मुझे भी इसकी तरह उसी औरत ने पाल पोस कर पड़ा किया। अरे ये क्या, आप तो रो रहे हैं, हम लोगों ने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा बेटा, जो मेरा दिल है ना, ये
दर्द का सागर है, इसीलिए मेरी आंखें जो वो गागर की तरफ बह उठती है। मेरा जो दिल है ना, मेरी पसलियों के पिंजरे से सर टकरा टकरा कर रोता कि काश मैं उन हजारों अनाथों का कुछ बन सकता जिनका दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बेटा मेरे होते अपने आप को अनाथ मत समझो, अपने मन से अनाथ बने का ख्याल ऐसे निचोड़ के निकाल दो जैसे लोग गीले कपड़े में से पानी निचोड़ के निकाल देते हैं। निकाल दो बेटा। निकाल दिया बाबू जी, निकाल दिया। अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी भावना इतना प्रेम है तो आज से हम आपको अपने सगे बाप की तरह समझेंगे। क्यों अर्जुन? बिल्कुल। मैं जीत गया बेटा, मैं जीत गया। अभी आज से मेरा रॉबिन ही एक बेटा नहीं है, मेरे तीन तीन बेटे हैं, तीन तीन बेटे हैं। तो बेटा एक गड़बड़ है, तुम लोग इतने बहादुर बच्चे होकर ये छोटे मोटे धंधे करते हैं, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे। उसको क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड, दर्जा, उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यासा आदमी किसी बहती नदी से चम्मच में पानी भर के घर भागे और वहाँ पीने की कोशिश करे तो सारा पानी तो रस्ते में गिर जाएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है, सही कहा, सही कहा। हाँ, इसके बारे में तो हम भी सोच रहे थे कि इस बार तो आप हमें हवालत से छुड़ा कर ले आए, लेकिन अगर पुलिस फिर हमें पकड़ के ले जाए तो फिर क्या होगा? अरे नहीं बेटा नहीं, आज के बाद पुलिस तुमको हाथ भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि पुलिस हमारा साथ में है, लीडर लीडर हमारा साथ में है, इसलिए लॉ यानी कि कानून हमारा हाथ में है। जैसे तुम हमारा बाप को अपना बाप समझता है, फादर समझता है, वैसे तुम इन दोनों को भी अपना बाप समझो, फादर समझो। हाँ, हमें तुम अपना पिता समान समझो, हम तुम्हें अपने बेटे समान समझे। राइट, इम्पॉसिबल। इस आदमी को मैं अपना फादर नहीं, अपना फादर इन लॉ समझो। अबे साला क्या बोला, खाना नहीं खाएगा? इतने दिन से अपन तेरे लिए खाना बनाता है, धंधे का टाइम खोटी करता है, 25 रुपए 12 आना अभी तक तुमने अपन को दिया नहीं, ऊपर से भाव खाता है, बोलता है खाना नहीं खाएगा। अबे क्या चिकना कपड़ा पहने लगा है बाप, हाथ नहीं लगाना, भाड़े पर लाया क्या? हाथ नहीं लगाना, अपन का खरीदा है। हाँ। क्या? और ये ले तेरा 25 रुपए 12 आना। अरे कहाँ से लाया? बहुत पैसा है अपन के पास, इसकी कमी सिर्फ उस दिन तक थी जिस दिन तुझसे पहली मुलाकात हुई थी। मतलब दूसरी मुलाकात में तूने अपन झूठ बोला था, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात, सब मुलाकातों में झूठ बोला था। हाथ नहीं लगाना, सच तो ये है झूठ बोलना तो बहाना था तुझसे बार बार मिलने का, पैसे दे देता तो तुझसे मुलाकात कैसे होती, तेरे हाथ का खाना कैसे खाता। अपन से शादी बनाता है क्या? शादी? हाँ बनाएगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? साहब अपन को तुम्हारे साथ कुछ खुलासा करने का, साहब अपन को जिंदगी में तुम्हारे से पहले एक फुटपाथी हीरो आया था। क्या? हाँ, अपन उसके साथ पैर के चक्कर में फंस गया था, वो साला अपन को धोखा देकर पत्नी गली से खिसक गया, और क्या बताएगा साहब, अपन पेट से। साहब क्या तुम पेट से हो? तुम्हारी नजर से गिर गया, अपन को मालूम था, कहाँ जा रही हो? अरे बच्चा गिराने से तो अच्छा क्या मन खुद खींच करके अपनी जान दे देगा। तारा 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 मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और अब भी चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी तारा इतनी घटिया औरत है, बच्चा भी तुम्हारा होगा और नाम भी तुम्हारा होगा। नाम है करण, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है। जानती हो? नहीं तो। सच मानो मैंने ईमानदारी की रोटी कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खैर तुम नहीं समझोगी, और जिस दिन समझोगी उस दिन शायद मुझसे नफरत नहीं करोगी। तुमने मुझसे हमदर्दी की, थोड़े दिन के लिए ही सही अपने दिल में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चप्पल आई जी चप्पल, बाबा जी मी तुला सोना नाई। चले बेटू, चल ये सच है इंस्पेक्टर कि मैंने जुर्म का रास्ता शौक से नहीं मजबूरी से अपनाया है, और मैं साबित कर दूंगा
कि मैं जुर्म को हमेशा खत्म करने के लिए ही कानून और पुलिस की मदद करने के लिए ही गलत रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि असली मुजरिमों तक पहुंचने के लिए सही रास्ता नहीं गलत रास्ता अपनाया जाता है। और अगर मैं ये साबित करने में नाकाम रहा तो ये सारी गोलियां तुम्हें वापस कर दूंगा और शौक से तुम्हें मेरे सीने में उतार देना। आप और इस वक्त खैरियत तो है बेटा? मैं तुम्हारे पास इस वक्त मदद के लिए आई हूँ। मदद? कैसी मदद? बेटा, इन सब के बच्चों की मदद करो। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले लोग खुलेआम विद्यार्थियों के बीच जहर का व्यापार कर रहे हैं। आइसक्रीम और ऐसी खाने पीने की चीजों में उनकी जिंदगी उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस तो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकी। बेटा तुम उनकी मदद करो, उनकी जिंदगी बचा लो। ये तुमसे विनती है हमारी। माँ जी, आप जानते हैं ये चीजें कौन बेचता है और कहाँ से आती हैं? पुलिस भागो! ठीक है लेले, ये छोटी मछली है। बड़ी बास मार रही है। What? सर, मैंने आपको पहले कहीं कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। पहले मेरी बात सुनो, छोटी मछली की ठीक से धुलाई करोगे तो बड़ी मछली हाथ में आएगी, समझे? सर, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। ये क्या है? छोटी मछली। छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी, यानी कि छोटे चोर की धुलाई करोगे तो बड़ा चोर खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। हवलदार, कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर। यस सर, यस सर। ले जाओ इस बदबूदार मछली को। तुम लोग पहले इसकी पानी से धुलाई करो, मैं बाद में इस कुत्ते के अपने हाथों से धुलाई करूंगा। दूसरा आईचा पंखा। चंपकलाल, मैंने तुम्हारे आदमी फर्नांडिस को इंस्पेक्टर पीके लेले के हवाले कर दिया है। अरे क्या मुसीबत है यार, ये अपना आदमी फर्नांडिस के हाथ में रख गया है और ये सुअर का बच्चा करण सालों सुबह शाम धमकी देता, हाथ में नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे ओ कमिश्नर बाबू, तुम क्या खड़े हो यार, कुछ अपनी वर्दी का धौल दिखाओ और अपने आदमी को बाहर निकालो, वरना एक दिन मेरी जिंदगी के फिरे में बहुत जल्दी डीएन का डाटा आ जाएगा। इस बार आपका आदमी इंस्पेक्टर पी के लेले की गिरफ्त में फंसा हुआ है और इंस्पेक्टर को आजकल मुझ पर भी शक है। अगर उसने सेंटर में कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या अंजाम होगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक तरीका है और बिल्कुल है, जिस कोर्ट में फर्नांडिस को ले जाया जा रहा है उसके जज को खरीद लो। ये नामुमकिन है, जस्टिस सुमित्रा देवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिकाऊ नहीं। अरे यार, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? मिस्टर कमिश्नर, जो लोग बिकते नहीं है उनकी कोई ना कोई कमजोरी, वीकनेस जरूर होती है। जस्टिस सुमित्रा देवी की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। हाँ है, उसकी बेटी। देखा डैड? जियो जियो मेरे लाल, 1000 साल जियो और तुम आराम का माल पियो। ब्यूटीफुल ऑनेस्ट एरिया। व्हाई? कम ऑन बस दुर्गा, मॉडलिंग मॉडलिंग बहुत हो गई, मैं थक गई, बाय। अच्छा माँ। अच्छा बेटी, बाय, जल्दी आना। हाय बेब, तुम्हारी माँ से थोड़ा सा काम है। चल ड्राइव। हेलो, लेट मी रॉबिन। रॉबिन, जस्टिस सुमित्रा देव का भी अभी फोन आया था, हमें कुछ करो वरना हम सब फंस जाएंगे। डैड, उस जिद्दी जज सुमित्रा देवी ने हमारी सारी बात कमिश्नर को बता दी। अरे यार, ये औरत हमारे लिए जिद का पेड़ बनती जा रही, क्यों ना इस पेड़ की जड़ काट डाले। है चंपू, एक तरीका है इस जहरीले पेड़ की जड़ काटने का। हर जज के सामने उसकी टेबल पर पानी का एक गिलास होता है। यस यस, पानी का एक गिलास होता है, तो उसके सामने भी पानी का एक गिलास होगा।
लेकिन उसमें पानी नहीं होगा, जहर होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी माँ को नहीं मार सकते। योर ऑनर, ये मुजरिम फर्नांडिस है और ये इसके करतूतों की फाइल है, जिसे पढ़ने के बाद आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा। योर ऑनर, इस फाइल को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस मुजरिम को पुलिस रिमांड में रखने के लिए मैं क्यों जोर दे रहा हूं। योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि इसके जरिए हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जो अपनी दौलत, अपनी हैसियत, अपनी कुर्सी, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कानून के हाथों को कमजोर कर रहे हैं और जुर्म के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। ऑनर, स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अदालत दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुल्जिम फर्नांडिस को 15 दिन पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म देती है। बेल इज रिजेक्टेड। पानी, 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 पानी। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। 15 दिनों की मार खाने से तो बेहतर है कि मैं ये जहर पीकर हमेशा के लिए मर जाऊं। Oh my God! अरे छोड़ उसको! नहीं! मर सकता है। इसकी माँ ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं उसकी ममता के मुंह पे तमाचा मारूंगा। इस लड़की को किसी अच्छे कोठे वाली के हवाले कर देना चाहिए क्योंकि जो लड़की एक बार कोठे की जमीन पे कदम रख लेती है तो फिर वो दोबारा इज्जत की जमीन पे कदम नहीं रख सकती। हाँ क्यों, क्यों? अरे वाह वाह वाह, क्या 15.5 आने का आइडिया है। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं बाजारी लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर लाया गया है। मुझे मुझे बचा लो। पहले तुम मुझे बचाओ। इस दुनिया की भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देखो देखो, रुक जाओ। दिन तो किसी तरह काट लेता हूँ मगर रात की तन्हाई मुझे काटती है। रुक जाओ। होश में रहता हूँ तो दिल जलता है। इस जलन के लिए शराब पीता हूँ तो दिल सुलग उठता है। इस वक्त भी आपको ठंडा कर दो, मुझे मेरी माँ ला दो। क्या? मुझे मेरी माँ ला दो। देखो, दूर रहो मुझसे। मुझे मेरी माँ ला दो। Take your dirty hands off me, you silly fool. I am an educated girl, the daughter of a respected judge. I have been kidnapped and kept here against my will. Do you understand? Do you understand? तुम वाकई एक बाजारी लड़की नहीं? नहीं। सचमुच एक इज्जतदार घराने की लड़की हो? हाँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हो? हाँ। देखो, अगर तुम सच्चे मर्द हो ना तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मुझे मेरी माँ के बाद वापस पहुंचा दो। माँ की कसम? बहुत बड़ी कसम। मी किसन, मी मर्द, मी टेक आउट।
मुंह दिखाने की लायक ही न रहती। ये कौन है? मरवाने वाला वो कारण है और फर्नांडिस को मरवाने वाला वो स्टूपिड इंस्पेक्टर बी के लेले बात करो। दोनों को मरवा देना चाहिए और इन दोनों की एक ही कमजोरी है, the only female cab driver in town, Tara. Right. तो फिर देरी किस बात की है? Let's go in. क्या क्या? एयरपोर्ट से ताज का कितना भाड़ा होता है? तू हजार रुपए मार डालो। अरे साले शर्म वरम है कि नहीं? अगर जरा से भी शर्म बाकी है ना तो अपनी टोपी और बिल्ला निकाल और किसी रेल के नीचे जाकर कट जा।
हरामखोर। You take, रोकड़ा। Thanks. I say माफी। Okay. He fool. Yeah. ठीक वाला? What? Hey, Johnny. Hey, love. Hi. क्या करा रहे हो? You're all about fantastic, sweetheart. बेचारा हमको। हम वही रोमांटिक रॉबिन है जो एक दिन तुम्हारा टैक्सी में बैठा था, तुम्हारा गोरा गोरा टांग को इधर हाथ लगाया था, और तुमने हमको पुलिस स्टेशन में ले जाकर उस स्टूपिड इंस्पेक्टर से बुलाया था, माफ करो माफ करो माफ करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है स्वीट हार्ट, हम तुमको आज उठा कर लेके जाएंगे। पकड़ोगे बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। कितना बंडल दिख रहा है, मेरे को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। उल्लू का पट्टा, अमेरिका गया था गुंडागर्दी की डिग्री पास करने के लिए, उसने फटी हुई डिग्री की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। मेरा कितना पैसा नुकसान में गया नालायक। अबे बंद कर, अभी तो लगाया भी नहीं, पहले से चिल्लाता। डैडी डैडी क्या हुआ रॉबिन भैया को? है ना, अबे जा। देखो बेटा, किसी ने तुम्हारे भाई को पुराने फर्नीचर की तरह तोड़ के रख दिया। किसने? एक इंसान जिसने एक जमाने में तेरे पिता की कमर तोड़ दी, धंधे की कमर तोड़ दी, मेरी जिंदगी की कमर तोड़ दी। हम उसकी कमर तोड़ देंगे। बेटा उसका नाम है करण। क्या हुआ? क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और यह रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो? तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती है। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती है बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जाने चली जाए, और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। कारण सबकर, तुम्हें नहीं यहाँ से नहीं ले सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। ठीक है, चलिए। Thank you.
अरे अर्जुन बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार मुझे भी बहुत तलब लगी है। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर डेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपतलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे। हमें हुकुम है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पना लेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पना दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले माँ? अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दे कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों बिड़ो है? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। कत्ल, डाका जनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है। मगर मां सच्चाई ये है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या? भूख, वकाकशी, जिल्लत, तुम्हारे ख्यालत पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी मां, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो एक दिन उसी की आग में तुम जलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश वो
उस दिन मैंने तुम्हें भूख से पिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता। माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सोने के लिए छोड़ दिया होता। माँ, रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत करना, हमने बहुत खून बहते हुए देखा है। पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है, बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है, दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है, और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है। हमने इतना खून देखा है माँ, कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है। और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो? आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही माँ। जहाँ लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं, जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती। तुम खून चाहते हो, तुम इसका खून चाहते हो, अच्छी बात है। ये मेरे खून की रेखा है, पहले इसे पार करो फिर इसका खून। आओ बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अरे गोली मारो ऐसी बात को, औरत हमारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा। खामोश, तमाकू लगाम दे, नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। वो हमारी माँ है माँ, अगर तूने माँ के खिलाफ कुछ बोला ना तो तेरे गले की नली काट कर गटर की नली में फेंक देंगे, समझा? ये तो बेवकूफ आदमी है, मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे, समझा देता हूँ। क्या तुम आराम करो, क्यों जो जो आराम जो। ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, ऊपर से औरत के नाम को धमकी देते हैं। अबे क्या धमकी देते? तू साला किसी दिन बीच औरत मेरे जूते खिला देगा। इस बर्फ में बदबू है, सिंक्स। ये बर्फ नहीं है, गोबर है, जखम के लिए अच्छा होता है। खून बहुत बह चुका है, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे बचा भी सकूंगा। या मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है, जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है। आप अपना इलाज जारी रखिए, मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ। सच कहता हूँ तारा बहन, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका उसका कहीं पता नहीं चला। बहन अपन को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी करो, किधर से भी ढूंढ के लेके आओ, उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। मत रो बहन, तुम पुलिस वाला है ना, उसको ढूंढ नहीं सकता। ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखित बयान। इनकी बेटी? कहाँ इनकी बेटी? अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरीन इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए, सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता, क्योंकि 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 आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शायद तो कौड़ी के इंस्पेक्टर मुझ पर इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ, तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना, इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूँ और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त ये साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ जी आपका एक एहसान तो था ही मुझ पर, अब मेरी जान बचाकर दूसरा एहसान किया है आपने। बताओ मां
इन एहसानों के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? एहसान? ममता की दुनिया में एहसान जैसा कोई लफ्ज नहीं है बेटा, ना ही एहसान का सौदा होता है। अगर मैं इन अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में लाकर पालती हूँ, इन्हें प्यार देती हूँ, इन्हें सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाती हूँ, तो इनके नेक बन जाने पर मुझे अपनी कीमत मिल जाती है। जैसे आज तुमने जो ये रास्ता अपनाया है, अब बेटी तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। मगर अपने उन दो बेटों को मैं नहीं सुधार पाई, उन्होंने मेरी ममता को गुमराही के कदमों तले कुचल डाला है। माँ जी, कौन है वो? तो वही दो जो तुझे जान से मार डालना चाहते हैं। क्या वो? वो जो उनकी उस दलदल में फंसे हैं, जहाँ से मैं जाने कितनी माओ के लाल मुजरिम बनकर निकलते हैं, उन्हें वापस ले आ बेटा, नहीं तो इस माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, और मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। जिनसे मुझे इंतकाम लेना था, अब मैं उन्हें सुधार कर सही इंसान बनाकर तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। एक बेटे का मां से वचन है। कहाँ जाना है? वहां जहाँ प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल, जहाँ कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर सात फेरे लगाते हैं। ये क्या तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट, वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है, इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप, इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जो उनका रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना तो ये टैक्सी भी उनके बाप का है क्या? उठाकर बाहर फेंक देगा, समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन, चल चल। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है, क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढ कर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा, क्यों किशन? चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या ऐसी जगह ले चलो जहाँ आत्महत्या कर सके। हाँ। अरे कूद जाओ, आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो अपन भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा। क्यों, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? अरे नहीं रे, अपन को धोखा दिया होता ना तो अपन उसको उधर ही थप्पड़ डालता। साला भाग गया, मर जाते ना, ऐसे ही होते हैं। औरत जात के बगैर रह नहीं सकते। कहाँ मर गया था तू? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, आत्मा हत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो। मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं और तुम तो कह रही हो कि हम उन्हें शराब पिलाए। अरे एक दिन और पिलेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम दोनों समझी नहीं, अगर तुम उन्हें होश में यहाँ लेकर आई तो यहाँ खून खराब हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहाँ मिले, और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। Thank you.
ये मंदिर है क्या? और नहीं तो क्या नजर आता है, साले कितना बेवड़ा पीकर आए। जा जा अंदर जा। अर्जुन ये मंदिर है। ये मंदिर है? या ये मंदिर है। चलो जय हो जय हो। ये मंदिर है। अरे ये मंदिर है। ये मंदिर है क्या? तो साला पुजारी किधर गया? पुजारी इधर है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। हैरान हो ना कि ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतरने से पहले पिघल क्यों गई? ये उन आंसुओं का असर है जो एक देवी ने बहाए तुम दो नालायक बेटों के लिए। देखो बकवास बंद करो। तुम हमें मारना चाहते हो ना? मार। हम मौत से नहीं डरते। तुम मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि जो तुम्हारे अन्नदाता बने हैं उन्होंने कहा है कि मौत से तुम शहीद हो जाओगे। और शहीद तो तुम उस दिन हो गए थे जिस दिन तुम्हारे बाप के प्यादे ने तुम्हारी माँ को कोठे पे फिकवाया था और तुम्हें कचरे के डब्बे में। वो बाप उन अन्नदाताओं में से एक है। बस कर रहा है ये तुम्हें बहका रहा है। मैं बहका नहीं रहा हूँ, वो पुलिस कमिश्नर तुम्हें बहका रहा है जिसने शादी की बजाय तुम्हारी मौत का प्रोग्राम बनाया है। कोई सबूत है तुम्हारा? है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो ये लो रिवॉल्वर और इसकी सारी गोलियां मेरे सीने में दाग देना। और अगर मैं सही साबित हुआ तो हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। ये ठीक कहते हैं बेटे, ये ठीक कहते हैं। वो प्यादा मैं
जिसने तुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था वो मैं हूँ। मैं जानता हूँ तू नाजायज नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, वो कहाँ रहती है, मैं जानता हूँ बेटे। हेलो, कौन? मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बनारसी बोल रहा हूँ, बनारसी। सुनो, देवकी जिंदा है और वो बच्चा जिसे तुमने कचरे के डब्बे में भिगवा दिया था वो भी जिंदा है। आज मैं माँ से बेटे को मिलवाने जा रहा हूँ। और तुम्हारे बेटे का नाम है किशन। उस तरफ रहती तुम्हारी माँ, ये कोड़ियों की बस्ती बेटा। आ जाओ आ जाओ बेटा, बेटा मेरे हाथ है, मुझे इस गंदगी से निकाल ले बेटा। तू आप तो यहाँ क्यों आया है? क्या इस बुढ़े बीमार जिस्म का कोई खरीदार है जिसे तू लेकर आया है? का दूध अगर बच्चे के हजार बीमारियों को ठीक कर सकता है तो फिर बेटे की मोहब्बत माँ की बीमारियों का मरहम क्यों नहीं बन सकती? माँ माँ चल मेरे साथ, तेरे कदमों से मेरा घर मंदिर बन जाएगा। माँ मंदिर बन जाएगा, चल मेरे साथ। नहीं बेटे, नहीं। मुझे पाप का भागी मत बना, मैं तो गुनाह के दलदल में गिरी हुई। नहीं माँ, भगवान की मूर्ति अगर गलती से किचन में गिर जाए तो वो नापाक नहीं हो जाते है माँ? बिन देखे जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैंने तेरी पूजा की है माँ। मत कर बेटे। माँ बचपन से आज तक मुझे अपनी माँ से जिद करने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे को जिद पूरी कर लेने दे माँ। माँ मैं तेरे पांव पड़ता हूँ माँ, तेरी हर मजबूरी हर बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तू इनकार मत कर। एक बार अपने बेटे को गले से लगा ले माँ, गले से लगा ले माँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जिंदा? हाँ, औरतों की इज्जत के व्यापारी मैं जिंदा हूँ। ये मक्कार जो सफेद पोशाक पहने औरतों को ऊंचा मुकाम दिलाने के दावे कर रहा है, ये वही कमीना है जो आज तक खुद
औरतों को बाप की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता रहा है। इस समाज में बहुत सारी औरतें इसके बाप की निशानियां, उन बाप की निशानी में से जो एक निशानी आपके सामने खड़ा है वो मैं हूँ। जैसे कचरे के डब्बे से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, आज वैसे ही कचरे के डब्बे में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गिरफ्तार कर लो मुझे इंस्पेक्टर। खून? कौन सा खून? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। आज मैं झाड़ू ले लिया है। इस देश के कचरे को साफ करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो, आजकल कचरे के डिब्बे में लीटर पड़े हुए मिलते हैं। इन्हें तो कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में ले जाने को राजी नहीं। सर, आप जानते हैं इसे किसने मारा है? अरे, इसे किस्मत ने मारा और किसने मारा है। अरे, मैं तो कहता हूँ कि इसकी लाश को यहीं पड़े रहने दो। गली कूचे के कुत्ते खाएंगे, किसी का तो पेट भरेगा। अरे, कब्रिस्तान जाएगा तो उधर के मुर्दों को भी तंग करेगा। ही शैल बी वेरी डिस्टर्बिंग। अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना, तो मैं उस सड़क छाप बंजू को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। सर जाएगा वहां फिर। डैडी, अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। सुबह इंस्पेक्टर, रात को इसके सेल का दरवाजा खुला छोड़ देना। ये भागने की कोशिश करेगा, गोली मार देना। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इसमें पाड़ा और क्या, सारी जिंदगी तुम दो स्टैप नहीं जीना चाहते हो, तीसरा स्टैप नहीं चाहते। सुनो, तुम जा सकते हो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैंने जहर खा लिया। Come on.
आप इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले आइए। और देखो डॉक्टर, पहले पेशेंट का इलाज करना चाहिए, बाद में तहकीकात। कमिश्नर, मैं मौत से तो नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले इतना बता देना चाहता हूं कि आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी के कारण तुम हो। तुम इंसान नहीं कमिश्नर, हैवान से भी बदतर हो, हैवान से भी बदतर हो। चलाओ गोली, चलाओ गोली। शूट हिम। व्हाट? आई डिड शूट हिम। नो, होल्ड इट। नो सर, ना हम गोली चलाएंगे और ना आप। क्या भक्ति हो? माफ कीजिएगा सर, आप गलत कर रहे हैं और मैं गलत ऑर्डर पर अमल नहीं करूंगा। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो मुझ पर चलाइए। हाथ में लेके कानून का ताला, चप्पल आई थी चप्पल बाबा जी मी तुला छोड़ना ना। एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है। ये देख, दिस इज एन ऑर्डर विच सीबीआई इंस्पेक्टर पी के लेले गॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिट डेली स्टेट सच रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्म इज नॉट मेंट फॉर पीपल हु आर इरिस्पॉन्सिबल फ्रॉड एंड कल्प्रिट्स। Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया। अरे नहीं, यूनिफॉर्म उतार, उतार, उतार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म उतार, ये कर, ये रस कर। अर्जुन, अर्जुन, I love you, अर्जुन। इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटी। मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं। वाकई बेटे, तुम इंसान नहीं देवता हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या लेकर आया यार? हेल हिटलर। कौन कौन हिटलर? हिटलर, हिटलर ये पाप, हिटलर तुम। मैं? हाँ तुम, तुम हिटलर, तुम रावण, तुम। अच्छा? हाँ। पाप, हजारों साल पहले एक बुरी आत्मा आई थी जो रावण के अंदर घुसी और वही आत्मा रावण के बाद हिटलर के अंदर घुसी और अब हिटलर के बाद वो आत्मा तुम्हारे अंदर घुसी है। पाप तुम्हारे अंदर। मेरे अंदर? हाँ तुम्हारे अंदर। पाप, तुम इंसानियत का खून करना, कानून का खून करना, इंसानों का खून करना। और कहना कि ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये खून उन आत्माओं ने करवाया जो तुम्हारे अंदर है। तब तुम्हारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बाप, कानून शरीर पकड़ सकता है, आत्मा नहीं पकड़ सकता, आत्मा नहीं पकड़ सकता, है ना? मैं भटक गया था, मुझे माफ कर। हमें माफ कर दे माँ, माफ कर दे। मैं तो इसी दिन के लिए जिंदा थी कि कब मेरे दोनों बेटे बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर लौट आएंगे। आज आज वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। बेटा, आज तूने खून का कर्ज अदा कर दिया। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। माँ, हम इनसे और हम
और अपने से कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे करें कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी
मेरे भगवान, तूने मुझ पर वो उपकार किए हैं कि मैं अपने खून से भी तेरे चरणों का अभिषेक करूं, तो कम है। तूने मेरे तीनों बच्चों को बुराई की दलदल से निकालकर सच्चाई का रास्ता दिखा दिया भगवान। अभी तीनों तेरे हवाले, इन्हें बुराई से बचाना, सच्चाई का रास्ता दिखाना, वो दुनिया की सारी खुशियां इनके दामन में भर देना। हम खोपड़ियों के दिए में इंसानों का खून जलाकर अंधेरा पैदा करते हैं, और तू हमारी सल्तनत में दिया जलाकर रोशनी पैदा करने आई है। नामुमकिन चंपू, तू चंपू है ना? चंपू नहीं, एडलर चंपकलाल। तू कौन है? मैं सावित्री, आनंद की पत्नी, उस आनंद की जिसे तू अपने साथ जुर्म की दुनिया में ले गया था। अपना सुहाग तो मैं नहीं बचा पाई, मगर अपने उस बेटे के लिए मेरे दिल में ममता है। बता बता, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, सावित्री का बेटा, उसका अपना खून तो नहीं रह गया, क्या करें? चंपू, तेरा कोई भी नहीं है, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। बेटा, मिला तो दूंगा, मगर उससे मिलकर तुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि तेरा खून तुझे पहचानेगा नहीं, और अगर पहचानेगा तो अपनाएगा नहीं। फिर भी अगर मिलना चाहती है तो मिला देता हूं। ये तेरा बेटा है। क्या ये मेरा बेटा है? नहीं, कोई बेटा बेटा नहीं, हमारा कोई माता नहीं, कोई फादर नहीं, कोई जज्बात, कोई फीलिंग, कुछ नहीं। ऑलराइट, हम खुद तीनों को ढूंढ लेगा, मार डालेगा तीनों को। मेरी बात क्या? उन तीनों का खून चाहते हो, अच्छी बात है। ये मेरे खून की रेखा है, चाहो तो इसे रोंद के चले जाओ। What the hell is this nonsense? All right. आज खून ने अपने खून को ठुकरा दिया है, पर मेरे वो तीन बेटे जो मेरा अपना खून नहीं है, वो मेरी लाज रखेंगे, वो हिंसा के रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। चलेंगे, जरूर चलेंगे। ऐसा काम मैं करूंगा कि वो तीनों हिंसा के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। कि तुम्हारे हाथों से कोई अपराध, कोई जुर्म नहीं होगा। मेरी कोख से जन्मा हुआ बेटा भी अगर पापी निकले, तो उसका विनाश करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर आऊंगी, मेरा फिर जन्म होगा, मेरे तुम तीनों बेटे हो। ये तूने क्या कर दिया माँ? हमारे हाथ बांध दिए, हमें मजबूर कर दिया तूने। क्यों माँ, क्यों क्यों? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम
सत्य है। राम नाम सत्य है, 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 ये जवानी के कांधों पर कूली बनकर किसका बोझ उठा कर ले जा रहे हो? रावण की बस्ती में आकर राम नाम सत्य नहीं रावण नाम सत्य बोलो, क्योंकि तुम्हारी तीनों सीताएं रावण के कब्जे में हैं। हिंसा करने वाले हाथ मेरी अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं है। मुझे वचन दो, हिंसा करने मुझे वचन दो कि तुम हिंसा के रास्ते पर कभी जाने। रावण बेटे, इनके होंठ कुछ ज्यादा ही मजबूत धागों से सिले हुए हैं। नो वरी डैड, एक ही हाथ से सारी सिलाई खोल देते हैं। स्क्रू देम। नाम सत्य है, नाम सत्य है, नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है, नाम नाम सत्य है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। बचे लोग तीनों का वस्त्र हरण कर डालो। इनके रास्ते में फूल बिछाओ, फूल चलो सारी पारूस। एक और, एक और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एसी जी। जी डीजीपी। ये मरने वाली औरत बेचारी कितनी बदनसीब है। क्यों? इसका असली बेटा जिंदा होते हुए भी नकली बेटे इसकी चिता को आग दे रहे हैं। असली बेटा कौन है वो मैं जानता हूँ। बताओ इस मरने वाली का असली बेटा, उसका अपना खून, ये रॉबिन है। मेरी कोख से जन्मा हुआ बेटा भी अगर पापी निकले तो उसका विनाश करना तुम्हारा कर्तव्य है।
मुझे बचा लो। सारे फसाद की जड़ में हूँ। रावण झूठ है, मैं झूठ हूँ, सिर्फ राम सच है, सिर्फ राम सच है, सिर्फ राम। कहो कहो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, कहो राम नाम सत्य है, राम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शपथ आई जी चप्पल बाबा जी, इस देश में जितनी गंदगी है ना उसको झाड़ू मारने के लिए पीके ले ले आ रहा है। गिले 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 गिले। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें, कभी तुम हमसे कभी हम तुमसे करें, कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें, मोहब्बत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी थोड़ी सी, कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें, कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें, मोहब्बत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी। Thank you.